हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक और एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्लास 9 में चैप्टर सेकंड, जिसका नाम वहाँ पे भी पॉलिनोमियल ही है, इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लास 9 में पढ़ा है। हमने पढ़ रखा है कि जब कोई पॉलिनोमियल है वो किसी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, और हमने वन वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है इसकी स्टडी की है। और जो पॉलिनोमियल की डिग्री है, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल को हम जनरली एक्स में अगर पॉलिनोमियल है तो हम पी एक्स उसको लिखते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो होगी उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4x plus 2, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें जो एक्स की पावर है वो 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पॉलिनोमियल 2y² - 3y + 4 की, अब ये y में पॉलिनोमियल है तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो y² में, यानी कि पावर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, 5x³ - 4x² + x - √2। तो यहाँ एक्स क्यूब से हमें पता चलेगा, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो है 3। तो ये पॉलिनोमियल होगी और इसके डिग्री के बारे में हमने बात की। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर हम एक और पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल है हमारे पास 7u² - 3/2u² + 4u² + u - 8। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है u² - 6, यानी कि 6 है। तो ये जो पॉलिनोमियल है किस में पॉलिनोमियल है, ये u में है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे pu इज इक्वल टू, तो ये पॉलिनोमियल u में है क्योंकि वेरिएबल इसका u है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ जिसकी डिग्री कितनी है, 6 है। आगे बढ़ते हैं। अब कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि पॉलिनोमियल, कोई टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे 1/(x-1) ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक इसी तरह से, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक इसी तरह से जो पावर है, जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। यहाँ से रूट एक्स है, रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2। तो ये जो है रूट एक्स की वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और 1/(x² + 2x + 3) ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया है। तो ये आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, जैसे कि हमने पहले बात की, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ठीक इसी तरह से एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जो वर्ड क्वाड्रेटिक है, द नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मीन होता है, मीनिंग होता है इसका स्केयर। स्केयर मीन्स पावर 2। तो इसी तरह से यहाँ से
जो क्वाड्रेटिक वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 2x² + 3x - 2/5। इसी तरह से ये x में पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, y² - 2, ये y में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से 2 - x² + √3x। अब देखो यहाँ पे √3x है, √3x पे रूट नहीं है। अगर ये ऐसे हो जाता √3x तो फिर ये पॉलिनोमियल ही नहीं था, क्योंकि जो रूट है वो x पे नहीं है, तो इस वजह से ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x में। ठीक है, इसी तरह से u/3 - 2u² + 5, यू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसी तरह से √5v² - 2/3v, वी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 4z² + 1/7z में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। यहाँ पे अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यहाँ पे हम जनरल फॉर्म की बात करें तो यहाँ से ये क्लियर है कि जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है। बस एक ध्यान रखना है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो ए ज़ीरो हो गया तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी रह जाएगा सिर्फ, और बी एक्स प्लस सी तो डिग्री इसकी वन हो जाएगी, यानी कि तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने का ही नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो जनरल फॉर्म है वो है ax² + bx + c। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो a है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो नॉन ज़ीरो है। a, b, c कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक, इसी तरह से हमने बात की जो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल है, जैसे 2 - x³, या सिर्फ सिंपल x³, या फिर √2x³, या फिर 3 - x² + x³, या फिर 3x³ - 2x² + x - 1। तो ये सारे के सारे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं उनके एग्जाम्पल है। ठीक, इसी तरह से हम इसकी भी जनरल फॉर्म बना सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जब हम जनरल फॉर्म बनाएंगे तो ये हमारे पास कैसी हो जाएगी, कुछ ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो डिग्री होगी इसकी कितनी होगी, 3 होगी। तो ax³ + bx² + cx + d, यहाँ पे a b c d क्या होंगे, रियल नंबर्स हैं, बस a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो ये बचेंगी, तो यानी कि फिर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, b c d बाकी तीनों भी 0 हो सकते हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब किसी पॉलिनोमियल को के बारे में सोचते हैं, कोई भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि हम इस जो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डील करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लिया, मींस पावर 2 का एक एग्जांपल ले लिया। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है x² - 3x - 4, ये जो वेरिएबल है वो x है, तो हम इसको पी एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू x² - 3x - 4। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें x की जगह पे 2 पुट किया, जब हम इसमें x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये पी एक्स से पी 2 बन जाएगा, x² 2² हो जाएगा, -3x 3 × 2 हो जाएगा, और ये -4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2² = 4 माइनस 3 के 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये माइनस का 4, ये -4 + 4 के साथ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा। यहाँ पे अब नीचे कहा गया है कि द वैल्यू माइनस सिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x/2, एक्स की जगह पे 2 ही पुट किया है ना, तो एक्स और 2 से रिप्लेस कर दिया, इन द पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 इज द वैल्यू ऑफ x² - 3x - 4 एट x = 2। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है
कि जब एक्स की जगह पे टू रखा है हमने पोलिनोमियल में, तो उससे जो हमें आंसर मिला है, जो वैल्यू आई है, वो उस पोलिनोमियल की वैल्यू है, उस वैल्यू पे, एक्स की उस वैल्यू पे वो पोलिनोमियल की वैल्यू है। यहाँ पे ये बात कही गई है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हमारे पास पोलिनोमियल पी एक्स है, तो पी एक्स हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और हमें पी जीरो निकालना है। तो पी जीरो निकालने के लिए हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, जीरो। तो एक्स की जगह पे जीरो हम पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पे जीरो। अब देखो जीरो का स्केयर करेंगे, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो जीरो आएगा, माइनस थ्री की जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो आएगा, और ये माइनस फोर, तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस फोर आ गया। तो ये हमें क्या मिला, माइनस फोर क्या चीज़ है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये पी जीरो क्या है, वैल्यू पी जीरो की वैल्यू कितनी आई, माइनस फोर। तो पी जीरो इज इक्वल टू माइनस फोर क्या है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये काम आपने नाइन्थ क्लास में भी किया है, फिर भी एक बार इसको बेसिक को एक्सप्लेन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे यही बात दोबारा से कही गई है कि इफ पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के, यानी कि एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, के, किस में पुट कर दिया, पी एक्स में, पी एक्स में हमने पुट कर दिया, पी एक्स कुछ भी है तो उसमें एक्स की जगह पे के पुट कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल एक्स एंड के इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय के इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के, तो ये हम इसको कहेंगे, वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे पी के से, इसको हम लिखेंगे पी के से। तो ये आपने ध्यान रखना है, कोई भी जब x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करते हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो हमें उस पॉलिनोमियल की वहां पे वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिया गया है, यहां पे कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स, पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स की जगह पे माइनस वन रखना है, तो रख देते हैं भाई, एक्स की जगह पे माइनस वन रखेंगे तो ये पी माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन का स्केयर हो जाएगा, देखो एक्स स्केयर है तो माइनस वन का स्केयर, माइनस थ्री इंटू एक्स की जगह पे माइनस, तो थ्री इंटू माइनस वन, और ये माइनस फोर है ये। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस वन का स्केयर माइनस वन की माइनस वन के साथ करेंगे तो वन ही आएगा, अब माइनस थ्री की माइनस वन के साथ करेंगे तो प्लस का थ्री आएगा, और ये माइनस का फोर है, तो ये फोर माइनस फोर कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक इसी तरह से एक वैल्यू और निकाली गई है, अगली बार कहा गया है कि अगर आप फोर पे वैल्यू निकालें, यानी कि एक्स की जगह पे फोर पुट करेंगे, एक्स की जगह पे आप फोर पुट करें तो ये फोर का स्केयर कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, माइनस थ्री की फोर के साथ करेंगे तो माइनस के ट्वेल्व आ जाएंगे, और ये माइनस फोर, अब देखो सिक्सटीन, ये माइनस के सिक्सटीन, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, या फिर एक्स की जगह पे फोर पुट कर देते हैं तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है। तो एक्स की जो वैल्यू पुट करने से, एक्स की वो वैल्यू जिसके पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब यहाँ पे यही बताया गया कि एज p माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसी प्रकार p फोर दैट इज इक्वल टू जीरो,
आगे कहा गया है कि माइनस वन एंड फोर, ये जो दो वैल्यू है इनको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। आर कॉल्ड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इनको हम कहेंगे जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। मोर जनरली ए रियल नंबर के, कोई रियल नंबर के है, इज सेट टू बी द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कब कहेंगे, इफ पी के इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको जनरली जनरल में कन्वर्ट कर दिया है कि किसी भी वैल्यू को जीरो कब कहेंगे, जब उस वैल्यू को पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो ये हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। इसको थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करें, सपोज करो हमारे पास जो पी एक्स है, पी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। यहाँ पे हम x की जगह पे अगर 2 पुट कर देते हैं तो ये p2 मिलेगा हमें, क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 5 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे और प्लस के 6 हो जाएंगे। अब देखो प्लस के 4 और प्लस के 6, प्लस के 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल की 0 है। ठीक इसी तरह से हमारे पास पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है और हमने एक्स इज इक्वल टू टू के लिए चेक किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई। अब हम एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए चेक करते हैं तो पी थ्री देखते हैं क्या बनेगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 के 3 के साथ करेंगे तो 15, तो माइनस के 15 और प्लस के 6, 9 और 6 15 माइनस 15 0। तो x इज इक्वल टू 3 भी इस पॉलिनोमियल की 0 है। अब यानी कि इस पॉलिनोमियल की 2 0 है, एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3। अब 2 से ज़्यादा 0 नहीं हो सकती, जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरो हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा जीरो नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों एक बात और समझ में आती है कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जीरो हो सकती है, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकती। मीन्स इसमें आप एक्स की 2 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है सोल्व करने के बाद वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, वो जीरो सिर्फ किस पे आएगी, 2 पे और 3 पे आएगी। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इस पे आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा ग्राफिकली इसको समझते हैं, ज्योमेट्रिकली इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका जो चैप्टर थर्ड है, ग्राफ से रिलेटेड आपका जो चैप्टर है वो थर्ड है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक की बात करें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो सपोज करो आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है और उसको y के इक्वल लिख दिया। इसका ग्राफ बनाने के लिए इसको y के इक्वल लिख दिया। वैसे तो ये क्या है, किसके इक्वल लिखते हैं हम, x वेरिएबल है तो px है ये हमारा। अब यहां से इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, x और y के पॉइंट निकालते हैं। एक x का एक पॉइंट रखा तो y की वैल्यू, x का, इसको डिटेल में हम प्यारे बच्चों बाद में बात करेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ रहे हैं किसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। तो जब x की वैल्यू रखेंगे हम तो y की वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ एक और वैल्यू रखी तो एक और वैल्यू हमें मिलेगी और उससे हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसका जो ग्राफ है वो ये बना, ये इसका ग्राफ आ गया। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखें, इस ग्राफ में जिसका हमने ग्राफ बनाया उसने x एक्सिस को टच किया यहाँ पे, ये एरो लगा रखा है जहाँ पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, x एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे x की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू, इसका मतलब ये ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल की। यानी कि x की जगह पे अगर हम इसमें माइनस थ्री बाई टू रखते हैं तो आंसर जीरो आएगा। रख के देखें x की जगह पे माइनस थ्री बाई टू, तो y की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, 2 इंटू माइनस थ्री बाई टू
और प्लस थ्री, ये टू इसके साथ कैंसिल, माइनस थ्री प्लस थ्री आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये आ गया हमारे पास। अब आप यहाँ से देखें जो मेन पॉइंट है यहाँ के लिए, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है, जब उसका ग्राफ हमने प्लॉट किया तो उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इसकी वन जीरो है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, अब की बार हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और इसमें कुछ एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट की और उनको प्लॉट किया, तो उनको प्लॉट करने से हमें कुछ ग्राफ इस तरह का मिला। आप इस ग्राफ में चेक करें तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक तो इस जगह पे और एक इस जगह पे। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन है और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस फोर है, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस फोर है, यहाँ पे माइनस वन है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू फोर, ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं। मीन्स आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका अगर आपके पास ग्राफ है या आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही जीरो होंगी। यहाँ पे टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसकी टू ही जीरो होंगी। तो ये यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का। तो ये जो फैक्ट है ये सभी के लिए ट्रू है, यहाँ पे यही बताया गया है कि दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स की वैल्यू होगी ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला, ये टर्म्स, ये जो आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसको जब हम प्लॉट करते हैं, जो ये शेप हमारे पास इस तरह की आई है, इसको पैराबोला बोला गया है। रिप्रेजेंटिंग y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, थोड़ा आसान सी भाषा में समझाते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हमने इसे पीछे यहाँ पे देखा इसको, तो ये जो शेप है एक पैराबोला की शेप है और ये हमने प्लॉट किया था इस पॉलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग ये प्लॉट किया था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एक तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इससे जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वही इस पॉलिनोमियल की जीरो होगी, यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ये बताया गया। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से अगर हम इस पैराबोला की बात करें, ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री है जो पावर है वो टू होती है, उसको जब हम प्लॉट करें तो ये ऐसी शेप मिली। तो इस शेप ने एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो टू जगह पे इंटरसेक्ट किया तो इसकी टू जीरोज है। यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी इन पॉइंट्स पे वही इस पॉलिनोमियल की जीरोज होगी। तो ये हमारे पास ठीक इसी तरह से आप इस पैराबोला को अगर देखें तो इसने एक्स एक्सिस को सिर्फ वन पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो इसकी वन जीरो होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मीन्स जो ग्राफ है वो जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतनी जीरो होगी। अब ये देखो ये जो पैराबोला है, ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन होगा उसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो वो कुछ इस तरह का आया, इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसकी कोई जीरो नहीं है, नो जीरो इसकी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को इसने कहीं इंटरसेक्ट किया ही नहीं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास इस एक्सरसाइज 2.1 के लिए बेसिक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर बेसिक को कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं
कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतनी ही जीरोज होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में कहा गया है द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पे ग्राफ आपने नहीं बनाना है, ग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ बना हुआ दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो जब ग्राफ बनाया तो इसने एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, इसने एक्स एक्सिस पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इस केस में, कोई पॉलीनोमियल की कोई भी जीरो नहीं है, तो नो जीरो, देयर इज नो जीरो इन दिस केस। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे कितनी जीरो होंगी, 1 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, थर्ड पार्ट में आप देखेंगे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीन जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दोबारा से देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहां पे अगर आप इसको देखो थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो थ्री जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है, तो इट मींस कितनी जीरो है, 3 0s। इस केस के लिए पार्ट थर्ड के लिए हमारे पास क्या होंगी, 3 0s होंगी, 3 0s। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर की तरफ, तो पार्ट फोर में भी इसी तरह से आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। पार्ट फोर की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो जगह पे इंटरसेक्ट, टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 0s है इस केस में। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, तो इस केस में फिफ्थ पार्ट में जीरोस की संख्या कितनी है, कितनी जीरोस हैं, 4 0s है। नेक्स्ट अगर सिक्स्थ पार्ट की हम बात करें, तो सिक्स्थ पार्ट में चेक कर लेते हैं कितनी जगह पे है हमारे पास, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 0s होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.1 है इसमें एक ही क्वेश्चन है और वो भी ग्राफ हमें गिवन है, हमें सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।